परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें। पिछले एक साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो तीन बार हमारे सर ने मोक लिए थे और तीनों स्टेज पर हमें हमारी जो मोक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मोक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहां से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार है। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं एक सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। नहीं थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो एक जो आपने बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर, तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है, इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको नो क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग? आज का जो वीडियो आप लोग के लिए जा रहा है वो उन स्टूडेंटों के लिए ज्यादा बेनिफिशरी है जिन्होंने यूपी उत्तर प्रदेश का हायर जुडिशियल सर्विसेज का फॉर्म भर रखा है और उसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अब होने वाला है, उन्हीं को आज ये वीडियो पूर्ण रूप में दिया जा रहा है ताकि उनका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें उनको पूरी सफलता मिल सके। देखिए दो स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो यूपी HJS का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो नवम्बर में आप लोग के लिए प्रपोज्ड है और इसको ये आप लोग को 10 अक्टूबर के बाद आप लोग को इसको एक एग्जैक्ट डेट भी बता दी जाएगी कि नवंबर में कब ये एग्जाम होने वाला है। जहां तक मुझे अनुमान है कि नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक में आप लोग का यूपी हायर जुडिशियल का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पड़ेगा। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को मालूम है कि जो यूपी का हायर जुडिशियल का इस बार एडवर्टीजमेंट आया है उसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा है, एक ज्यादा नहीं है बहुत ही ज्यादा है, और उस ज्यादा सिलेबस में ऐसे आप अपने को समराइज करिए ताकि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाए। तो इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है। टेस्ट सीरीज MCQ फॉर्म में है, डिग्लॉट फॉर्म में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर लेंगे और जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको उतने नंबर जरूर मिल जाएंगे कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है, टेस्ट सीरीज कैसे होगी,
सारी चीजें आप लोग को वीडियो में बताए जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर जो यूट्यूब चैनल है वो फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। जो स्टूडेंट लॉ से जुड़े कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हायर जुडिशियल की हो, सिविल जज की हो, एपीओ की हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, या किसी डिपार्टमेंट में वो लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल में आप लोग को कोई वैकेंसी निकलने वाली होती है उसके पहले की संभावना बता दी जाती है। जब वैकेंसी आ जाती है तो आप लोग के साथ वैकेंसी को एनालाइज किया जाता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के बाद पेपर को आप लोग के साथ एनालाइज करके बताया जाता है कि इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्या कट ऑफ जा सकती है। अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब के चैनल के द्वारा जो भी कट ऑफ बताया गया वो लगभग सही गया। आप कोई भी प्रीवियस वीडियो उठाकर देख लीजिए, जैसे अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का कट ऑफ बताया गया था वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकला। तो ये आप लोग के साथ किया जाता है। इसके बाद जो मेंस का एग्जाम होता है और प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज कराई जाती है। जो टेस्ट सीरीज होती है वो फुली डिवोटेड होती है एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे इस समय जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का हायर जुडिशियल भरे हुए हैं, जिसमें आप लोग को मालूम है कि डायरेक्ट मेंस हो रहा है, छत्तीसगढ़ के हायर जुडिशियल में जिसमें डायरेक्ट मेंस हो रहा है उसकी टेस्ट सीरीज परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर स्टार्ट है। अगर वो जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, अगर आप उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर ले जाते हैं तो डियर स्टूडेंट आपको छत्तीसगढ़ हायर जुडिशियल में कोई रोक नहीं सकता। आप जरूर क्वालिफाई करेंगे क्योंकि वो टेस्ट सीरीज पूरा सिलेबस को लेकर कवर किया गया है। इसी प्रकार जैसे आप लोग के यूपी की हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होने वाला है, इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस है उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको देखिएगा कि जो ओरिजिनल पेपर है, एक्चुअल पेपर है जो आपको नवंबर में होगा वो मिलेगा, उसमें उसी पैटर्न पर उसी से मिलता जुलता प्रश्न आप लोग को काफी मिलेगा। पिछले दिन स्टूडेंट ये सारी सुविधा आप लोग अगर लेना चाहते हैं एक साथ एक जगह, तो आपको करना क्या है कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। डियर स्टूडेंट देखिए, जो यूपी हायर जुडिशियल की वैकेंसी आई हुई है इसकी टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 23 सितंबर 2024 से, यानी जो सोमवार आ रहा है उस दिन से आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। डियर स्टूडेंट इस बार उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सिलेबस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। काउंटिंग करके देखिए तो लगभग 60 पेपर को इस बार रखा गया है। एक दो पेपर में 60 मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल लॉज। और मेजर पे तो आपके साथ क्या किया गया है कि जैसे जो क्रिमिनल लॉ का मेजर का पोर्शन है, यानी इंडियन पेनल कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये तो आएगा ही, इसके साथ तीनों नया वाला भी आएगा, यानी आईपीसी के साथ बीएनएस भी आएगा, सीआरपीसी के साथ बीएनडब्ल्यूएस भी आएगा, सॉरी, और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ बीएसए आएगा। तो आपको आईपीसी का भी पेपर तैयार करना है, सीआरपीसी का भी पेपर, इंडियन एविडेंस एक्ट को भी तैयार करना है, और इसके साथ साथ आपको बीएनएस भी तैयार करना है, बीएनडब्ल्यूएस भी तैयार करना है, बीएसए तैयार करना है। ये तो क्रिमिनल लॉ का है। सीपीसी, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे आप अगर देखेंगे कि मेजर माइनर लोकल को मिला के 60 पेपर। इसके लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की रही है। आप लोगों को देखिए इस पर घबराने की जरूरत है, टेक्निक अपनाने की जरूरत है। टेक्निक ये है कि जहां पर 60 पेपर रखे गए 100 क्वेश्चंस आने हैं, तो किसी भी एक्ट से दो या तीन से ज्यादा किसी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहले तो अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए, जो क्वेश्चन आएंगे किसी से एक आएंगे तो किसी से दो या किसी से तीन, यानी जो क्वेश्चन पूछने का पेपर में रेंज रहेगा वो 1 से 3 प्रश्न आएंगे। तो आप लोग को क्या करना है कि जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम अपने स्टूडेंटों को कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे, खासकर ओल्ड आईपीसी, ओल्ड सीआरपीसी, ओल्ड एविडेंस एक्ट का। उससे क्या होगा कि आपका वो जो वाला पोर्शन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, इसमें आपको पेपर वाइज डेली आपको एक पेपर जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप ओपन करेंगे और उसका जो 4 अल्टरनेटिव्स रहेगा, जो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव लगे उसको आप सेलेक्ट करके उस अपने ओएमआर सीट को स्क्रीनशॉट खींच के फिर आप ग्रुप में भेज देंगे, वो एनालाइज करके आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा कितना आपका सही कितना गलत।
ये प्रोसेस आप लोग का ये मान के चलिए कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। तो कैसे ले टेस्ट सीरीज में एडमिशन? देखिए टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेने के लिए दो व्हाट्सएप नंबर है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, 9335144265, 9005078691। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड दोनों आप सेंड कर देंगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का QR कोड जाएगा, कोचिंग के QR कोड में आप प्रिस्क्राइब्ड फीस को जमा करेंगे, और जब आप फीस जमा कर देंगे तो आपको यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का जो ग्रुप बनाया गया है उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा, और जब आप उसमें एड हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो मंडे से आपको डेली एक एक पेपर जाना शुरू हो जाएगा। पेपर को सॉल्व करिए, और जो आप लोग का नवंबर में एग्जाम प्रपोज्ड है तब तक आप अपने पेपर को सॉल्व करते रहिए। तो इसका आप देखिएगा नतीजा क्या मिलेगा, जब नवंबर में आपको एक्चुअल पेपर मिलेगा तो आपके अंदर से डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतने MCQ लगा चुके होंगे कि आपको लगेगा कि ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट चल जल्दी करिए, समय बहुत कम है, और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना आधार कार्ड भेज के QR कोड लेकर उसमें प्रिस्क्राइब फीस जमा करके टेस्ट सीरीज में जुड़ जाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।